सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हों। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं क्योंकि प्रेम की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज का पंचांग 16 मार्च 2021 दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 8:59 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 7:31 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:03 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। धनु राशि, 16 मार्च 2021 दिन मंगलवार, आज के दिन को निश्चित सा है आपको संदेह से लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहना होगा। यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उपयुक्त है। आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे आपको उनमें खींचा जाएगा। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हालांकि आप दबाव में भी सही फैसला ले पाएंगे और कुल मिलाकर सब अच्छा होगा। आज नजदीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात होगी और खुशनुमा समय व्यतीत होगा। साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श भी रहेगा। घर में सुधार संबंधित योजना को क्रियान्वित करते समय वास्तु नियमों का भी पालन करें। जिन लोगों के साथ गलतफहमी हुई थी उनको दूर करना आपके लिए संभव हो सकता है। कुछ करीबी मित्रों के साथ हुए विवादों को निपटाना भी आपके लिए संभव होगा। फिर भी अपने मित्र परिवार को चुनते समय जागरूकता रखने की आवश्यकता होगी। वैद्यकीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन लाभदायक रहेगा। लव लाइफ से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सावधानियां, व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्चा होने से मन कुछ परेशान रह सकता है। अगर लोन लेने की योजना बन रही है तो अपने यथार्थ से अधिक लेने से परहेज करें। इस समय मानसिक शांति बनाकर रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी और परिजनों का आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगी। आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में है उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसे चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए समानता उन्हें समय नहीं मिल पाता और जो उनके मनपसंद काम है। दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर समझ आती है। बात करते हैं करियर की। कुछ दिनों से आपके कार्य क्षेत्र में चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही थी परंतु अब कुछ सुधार आने की उम्मीद है। आपको ये याद रखना होगा कि कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से आप शांति से काम में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी नरमी दिखाएं तो कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ आप शांत माहौल का मजा ले सकते हैं। उच्च अधिकारियों और सम्मानित लोगों से संबंध बनाकर रखना आपके व्यवसाय में फायदेमंद साबित होगा। अपनी व्यवसाय की योजनाएं किसी से भी शेयर ना करें।
आपको अच्छे ऑर्डर और अनुबंध भी प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज कई कारणों से अपने फिटनेस और स्वास्थ्य कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मन से वापस उसी कार्यक्रम को न अपनाना चाहते हों, लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अपने पहले वाले फिटनेस कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करें, आप उस पर अब नहीं चल पाएंगे। इसकी बजाय धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करें। आज का उपाय। आशा हनुमान भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।